जिनमें अकल की कमी होता है वही तकरार करता है, वरना आज के दौर में हर कोई स्वरोजगार करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सर्वे 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। मैं इसलिए सारी बोला क्योंकि मेरे कैमरे में जो है मौजूद ये रोशन जी है, जो कि अपने टीम में एक दो नहीं 10 लोगों को काम दिए हुए, और इनका टीम जो है इतना अच्छा काम कर रहा है कि दूर दूर से लोग आकर के इनके टीम में शामिल होते हैं और अपनी कलाकारी अदाकारी के माध्यम से लोगों को हंसाने का काम करते हैं। तो आइए सब का करते हैं स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका है। थैंक यू। और पब्लिक सपोर्ट को दिखने वाले हमारे जितने भी भाई लोग हैं, आप लोग हमें जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह से करते रहिए, और पब्लिक सपोर्ट को भी आप लोग सपोर्ट करिए। आप दोनों कैसे हैं? बहुत ठीक है सर। कैसा लग रहा है रोशन जी के टीम में जुड़ करके काम करते हुए? देखो, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये लोग बहुत नेक इंसान है। सबसे पहली बात, सुपौल जिले में जो आए हैं बहुत ही अच्छे पारिवारिक साफ सुथरा लोग है, और खास बात यह है कि अपने फैमिली के घर में रखते हैं, अपने फैमिली के साथ हम लोग रखते हैं। क्या बात है। मानसी जी, आपको कैसे लगा रोशन जी से मिल करके? बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, मतलब एकदम घर जैसा फील हो रहा है। रोशन जी, हम आपसे आगे बात भी करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को कोई ऐसा चीज करके बताइए, एक्ट करके, जो दर्शक है आपके दीवाने हो जाए। कोई ऐसा एक्ट करके बताइए, ऐसा कोई ऐसा डायलॉग बोल के कोई ऐसा एक्ट करके है, क्योंकि आपका एक्ट बहुत ही पसंद करते हैं, मिलियन में लोग देखते हैं उनको। कौन ऐसा कॉमेडी या कोई एक्ट सुनाइए जरा सा। हम लोग टीचर स्टूडेंट वाला वीडियो ऐसे बनाए थे। मतलब जो है मैडम जी बोलती है साली किसे कहते हैं, ये हुआ है। साली भी साड़ी बनाए थे, वो काफी वर्ण हुआ था। कौन वो साड़ी थी जरा सुनाइए हमारे दर्शकों को भी आप। हाँ, जैसे साली वाला ये था कि मतलब जो है अपने पत्नी की बहन को साली कहते हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवियों के अनुसार साली आधी घरवाली होती है। जब पत्नी के द्वारा मिजाज को गर्म किया जाता है तो साली ही मिजाज ठंडा पहुंचाने में काम करती है। और बहुत सारे बुद्धिजीवियों के अनुसार जो लड़की शादी में चप्पल चुराने वाली लड़की को साली कहते हैं। यही सब है। रोशन जी, आपका दूसरा इंटरव्यू हम चाहते हैं दर्शकों को बताइए, जर्नी की शुरुआत आपका कैसे हुआ था? जी, ये तो मतलब जो है टिकटॉक टाइम से भी टिकटॉक टाइम से ही। क्या बात, टिकटॉक जब बैन हो गया उनके बाद आप क्या किया? उनके बाद एक साल तक कुछ नहीं किया। एक साल तक कुछ भी नहीं किया? क्या आइडिया मन में आया फिर शुरुआत की तब? देखिए, जब टिकटॉक बैन हो गया था तो मतलब जो है अब वहां पे था कि अकेले वीडियो बनाते थे, एक ब्लैक कोबरा भी मतलब था। तो यहाँ पे क्या है कि आपको यूट्यूब पे बनाने के लिए एक टीम वर्क चाहिए एकदम अच्छा सा, जो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट फिल्म टाइप से ही चलेगा। तो चूंकि यूट्यूब और फेसबुक भी पहले शॉर्ट्स का ऑप्शन दिया नहीं था, अच्छा कुछ दिन के बाद जब देखे इंस्टाग्राम यूट्यूब और फेसबुक भी शॉर्ट्स का ऑप्शन दे दिया है तो काम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यूट्यूब पे जैसे हम लोग स्टार्ट किए तो हमारे साथ शुरू से सूर्या भाई हैं। सूर्या भाई जी, जी हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग मतलब जो एक फ्रेंड दोस्त भाई के नाते थे, हमें सपोर्ट करने के लिए ये जो है अपने घर से आते थे, कोई भी काम पड़ता था तो वहां से चलाते थे। जब हम यूट्यूब पे काम स्टार्ट किए थे तो मतलब जो है सूर्या भाई को बुलाए कि आइए आज एक वीडियो शूट करना है, तो उस दिन आए थे और वही वीडियो हम लोग का वायरल हो गया। और उस दिन से फिर यूट्यूब पे टर्निंग पॉइंट का मिला आपको? कौन सा वीडियो था जो आपको रातों रात स्टार बना दिया? फर्स्ट वीडियो ही था। फर्स्ट वीडियो था, क्या बात है। कौन था, कंटेंट क्या था? वो पुष्पा राज का जी, पुष्पा उसमें ट्रेन चल रहा था। नहीं, ट्रेन तो खत्म हो गया था, ट्रेन हम चलाए थे। अरे क्या बात है, ट्रेन वो खत्म हो चुका था 3-4 महीना पहले। फिर उसके बाद मतलब जो है इंस्टाग्राम पे क्या होता था कि शॉर्ट्स बनाते थे तो मेरा ही फर्स्ट इंस्टाग्राम पे पुष्पा राज वाला बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। तो हमको लगा कि यार कुछ लॉन्ग भी बना सकते हैं हम। लॉन्ग में बनाए तो यहाँ यूट्यूब पे चल गया। उसके बाद फिर ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ये पुष्पा राज का शादी, ये वो इधर। जब पुष्पा राज का शादी बनाए ना, ठीक है, तो सब लोग कॉपी करने लगा। कम से कम 1000 वीडियो बन गए पुष्पा राज का शादी। आप लोग कॉपी कर लिया? हाँ, कॉपी राइट क्यों मारे? हम लोग के वीडियो कम से कम 300 लोग डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाला, ठीक है। हम लोग ऐसे कॉपी राइट नहीं देते क्योंकि चलो कोई नहीं, किसी का भला तो हो रहा है। अच्छा, आपका क्या किरदार रहता है एक्टिंग में? देखिए, एक्टिंग में हम बाबूजी का रोल कर लेते हैं। बाबूजी का? हाँ। कोई एक्ट करके बताइए, कोई डायलॉग बताइए बाबूजी का जो आप किए हो। हाँ, एक डायलॉग था, ये कहता है कि बाबूजी मतलब कि मेरा ब्याह नहीं हो रहा है। अरे बेटा सबर करो, अगवैया को बोले हुए हैं जैसे ही अगवैया का फोन आएगा तो फिर तुम्हारा शादी के बाद चलेगा, इस तरह से था वीडियो में। लेकिन क्या बात है ना, तो अच्छा लगता है मतलब। रोशन जी, ये बाबूजी के किरदार निभाते, आप बाबूजी से क्या कहते हैं एक्टिंग में, कुछ करके बताइए जरा सा। कोई जैसे कि मतलब है हम लोग का होता है जैसे स्टोरी के हिसाब से जो होता है। अभी तक तो बहुत स्टोरी कर लिए हैं, जैसे एक वीडियो था, कौन सा था, जो मतलब बीबी नंबर वन में था, और ये हम इसको बोलते हैं, नहीं एक और वीडियो था जिसमें मतलब जो है हम इनको बोलते हैं बाबूजी बीबी का गाल काटने की उम्र में आप हमसे घास कटवा रहे, हमको अच्छा नहीं लगा। ओह माय गॉड, क्या बात है।
ठीक ना, तो यार एक चप्पल मारते हैं हमको मतलब जो है, और उसके बाद होता है ये सब डायलॉग रहता है। अच्छा रोशन जी, कितने वर्षों से लगे हैं डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में आप लोग? ठीक है, बस तो मतलब टिकटॉक जब से आया था, तो टिकटॉक आने के बाद हम लोग 2018-19 में टिकटॉक चल रहा था, फिर बैन हुआ, फिर जो है हम यूट्यूब पे आए 2 साल पहले। जी जी, और यूट्यूब पे जब से आए हैं चले हैं तब से चलिए रहे हैं, यानी 2-3-4 साल से लगे हुए आप लोग। हाँ। कंटिन्यू लगे हैं जी। अब तक की जर्नी से कितना संतुष्ट आप हैं? संतुष्ट का बात कहा जाए तो सही बात बोलिए तो जितना मेहनत करते हैं उतना मतलब नहीं मिल पाता है। क्योंकि देखिए होता क्या कि हम एक चीज कहना चाहेंगे, हम लोग का वीडियो जो इससे पहले बनाते थे और अभी बनाते हैं तो थोड़ा सा हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि गाली गलौज इस सबसे दूर रहे, लेकिन कभी कभी हमको लगता है देना पड़ेगा। क्या बात है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो दे रहा है उसको भी लोग जान रहा है, उसको भी पहचान रहा है, उसका भी सेल्फी ले रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम नहीं भी दे रहे हैं तो मेरा भी हो रहा था, क्यों ना सब कुछ मिक्स कर दिया। कभी कभी ये सोच लेते हैं चीजें, जब आपका चल रहा होता तो आप कुछ नहीं सोचते हैं, लेकिन नहीं चलता है तो 10 तरह की बातें माइंड में आती है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो अभी क्या है कि 2 लाख मतलब जो है 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है, लेकिन शुरुआत जिस हिसाब से हुआ था उस हिसाब से अगर एक तो शुरू में मेरा चैनल पर स्ट्राइक आ गया था जिसके चलते बीच में रुक गया, यूट्यूब पे आ गया था स्ट्राइक। जी जी जी, अचानक से 3 वीडियो मतलब जो है डिलीट हुआ था, तो उस टाइम से व्यू भी डाउन हो गया था, लेकिन चल रहा है पब्लिक का। अभी कितना फेसबुक फॉलोवर है? वो 8.5 लाख है। 8.5 लाख। इंस्टा पे 3.5 लाख। 3.5 लाख। रोशन जी, आपकी जो टीम में है ना, ये ब्लैक कोबरा का बहुत ही अहम किरदार होता है। ब्लैक कोबरा जी, कोई एक्टिंग करके हमारे दर्शकों को दिखाइए, आप क्या एक्टिंग रहता है आपका, कुछ भी करके दिखाइए। तो लड़का मैडम जवान था, मैडम लाइन मारने के लिए आता है। मैडम जी, रोशन भैया मैडम को लाइन मारने के लिए आता है, ये ना था असल में। सर जी जानते हैं, सर जी वो बात जानते हैं, रोशन भैया मैडम को लाइन मारने के लिए आता है और डाका डालने के लिए। हम बताते हैं इसका डायलॉग ऐसा था, ये खैनी खाते रहता लड़का, ठीक है, और जब मास्टर इसको देख लेता है प्रिंसिपल सर, तो मतलब खैनी खाएगा तो मारेगा ही, तो बोलता हम खैनी खा लिए तो मतलब जो हमको मार दिए, रोशन हुआ मैडम को लाइन मारता है तो उसको कुछ नहीं करते। तो हाँ जी, क्या बात है। अच्छा हम बात करेंगे आप मानसी जी, रोशन जी का कौन सा वीडियो देख के आप लोग यहाँ तक की जर्नी तय की है? बहुत सारा वीडियो है जो इनका मिलियन में गया हुआ है, बहुत अच्छा वीडियो बनाते है। सबसे बड़ा बात है की पारिवारिक वीडियो बनाते हैं, इसलिए हम खास करके हम लोग आए। अच्छा मतलब लगा वीडियो पारिवारिक बना रहे इसलिए जाएंगे मिलने के लिए। हाँ। कौन सा वीडियो है जो आपको अच्छा लगा था इसका? इनका तो सारा वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। अच्छा मिल करके कैसा लगा था, मिलने से पहले क्या फील हो रही थी? मिलने से पहले यही हो रहा था कि मतलब कैसा आदमी है नहीं है, लेकिन आने के बाद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है मिठू जी? मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप जो है सीतामढ़ी की धरती से आकर के सुपौल जिला की धरती में है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम कभी नाम सुने थे किताब में कि कोसी नदी, या कोसी नदी के बारे में पता नहीं था कहाँ है, लेकिन कोसी नदी के पास में ही हम लोग है, जहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर बाढ़ आया था, कोसी नदी का बांध टूटने के कारण, जिसके बाद उसी जगह पर आज हम है। अच्छा रोशन जी, हमें ये बताइए इन दोनों को आप कब से जानते हैं? ये मतलब ऐसे जानते तो बहुत पहले से, जब ये लोग वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे, पहले हम लोग नहीं जान रहे थे इनको, ये पता नहीं नंबर कहाँ से लिए, उसके बाद हमको कॉल किए, बोले चैनल के बारे में, तो हम देखे थे काफी ज्यादा उस समय, ये वीडियो सब चले, इस समय भी चली रहा है, उस समय से हम इनको जानने लगे, उसके बाद हम लोग बात करने लगे, साल भर से हम दोनों आपस में बात कर रहे थे साल भर से। तो कभी चाहते थे कि मानसी हमारी टीम में आगे काम करेगी? बिल्कुल, देखिये हम जो है ना, होता क्या है कि हम जब वीडियो देख रहे थे तो ये देखे कि ये लोग का वीडियो आया है तो अच्छा लग रहा था, कोई जब वैसे वायरल होता है और उस टाइम हम भी वायरल चली रहे, क्या बात है। हाँ तो देखे ऐसे, तो हम ऐसे वीडियो मतलब हम फेसबुक के होम पेज पर लगातार आ ही जाता था, फिर एक दिन इंस्टाग्राम भी खुले तो इंस्टाग्राम पे आ गया, तो मतलब जो है हमको लगा कि अगर मानसी जी को मतलब अगर वीडियो में लिया जाए तो ठीक रहेगा, और बेफिक्र हम बोल सकते थे क्योंकि मेरा वीडियो एकदम साफ सुथरा होता था, क्यों ना मतलब काम किया जाए, तो इसलिए नहीं आ पाए। रोशन जी, हम चाहते हैं कि आप एक्टिंग तो करते ही जबरदस्त है, जो कि पूरा सुपौल जिला ही नहीं पूरा बिहार के लोग आपको देखते हैं जानते हैं, हम चाहते हैं कोई गाना गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों को जो आप गाते हैं, क्योंकि आप भी बेफिक्र गाते हैं और आपका जो गाना बहुत ही जो सिंगर है क्या नाम उनका जिनके साथ में गाए थे गाना, एक जो इसका शिल्पी राज के साथ में गाना गाए थे, और अनेकों गाना आपका आ चुका है, हम चाहते हैं दर्शकों को कोई गाना सुनाइए हमारे दर्शकों के लिए।
देखिए मेरा गाना तो जो भी था तो, लेकिन इधर हम एक गाना हम सुने हैं, बहुत ही शानदार है। क्या गाना सुने हैं? चाहेंगे वही गाना गाने के लिए। क्या बात, आप गुना ऐसे ऐसे तो सिंगर है, बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, हम देखे हैं, लेकिन एक गाना या नीलकमल सिंह का गाएंगे ना तो अगर वहाँ खड़ा हो जाए एक बार। चाहेंगे भैया आप अपने मुँह से स्टार्ट करें। वो गाना तो हम इनको सिखाए थे। आप सिखाए थे? अरे बाप रे, क्लास के बाद सिखाए थे गाना इनको? क्या बात, सुनाए थे हमें। सुनाइए रोशन जी, दर्शकों का डिमांड है, पर हमारे दर्शकों का भी डिमांड है। चलिए ठीक है, सुना रहे आपको। कौनो बगिया के खिलल कली लागेलू, तोहके देखी के चंदा शर्मा जाई हो। कौनो बगिया के खिलल कली लागेलू, तोहके देखी के चंदा शर्मा जाई हो। देख के तोहके दिलवा बेकाबू भइल, रात के निंदिया दिलवा के चैना गाइल। तोहरा सूरत पे भवरा लुभा जाई हो। कौनो बगिया के खिलल काली लागेलू, तोहके देखी के चंदा शर्मा जाई हो। वाह क्या बात, श्रोता इतना क्यों है इतना अच्छा गाते हैं तो कंटिन्यू जरा लाते क्यों नहीं है? देखिए गाना होता क्या है कि कभी कभी ऐसा कंडीशन में लोग होता है कि आप इधर का काम कीजिएगा तो उधर का गड़बड़ाएगा, उधर का कीजिएगा इधर का। अभी हम वो स्थिति में, जैसे कि अभी हम, जैसे कि होता क्या है कि हम जब गाना पे फोकस करते हैं तो मेरा थोड़ा कहीं ना कहीं कॉमेडी मतलब एक्टिंग छूट जाता है, एक्टिंग छूटता है और चीजें दोनों बैलेंस नहीं हो पाता। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा अभी ये कॉमेडी को थोड़ा सा और मजबूत कर दे चैनल को, उसके बाद जब गाना लाएंगे ना तो एकदम पब्लिक का प्यार अच्छा से मिलने लगेगा ना। सब कुछ सीधा समझे ना, सब कुछ ऐसा है कि अभी हम अगर गाना पे, चूंकि गाना पे भी आप वर्क करिएगा तो आपको उधर जो है टाइम देना पड़ेगा। सीधा से बात कही ना, सब कुछ करने के लिए थोड़ा स्टॉक ये करना पड़ेगा, तब जाके होगा। पैसा का भी बात, हाँ चीजें क्या है कि हम क्या है कि गाना भी लिख लेते थे, लेते हैं, अब म्यूजिक भी बना लेते थे, तो चीजें क्या था कि अभी गाना में आजकल बजट लग रहा है, बिल्कुल। और अभी क्या है कि हमको थोड़ा सा कॉमेडी से और भी पैसा कमाना है, उसके बाद डायरेक्ट आएंगे। अच्छा रोशन जी, अक्सर जो है ना लोग छिपा लेते हैं बात को, क्लियर बोल नहीं पाते, लेकिन आप हमें दर्शकों को बोलिए कि 3-4-5 साल से आप लगे हुए हैं सोशल मीडिया में, कितना महीना कमा लेते हैं? देखिए आज का टाइम ऐसा है ना कि कोई चीज कहीं से छुपा नहीं है। मेरा व्यूज देख लीजिए, जाके सर्च मार के देख लीजिए, इतना व्यूज पे कितना पैसा आता होगा। क्या बात है, तो पता चल जाएगा। जो दर्शक देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 को, उनको क्या संदेश देंगे आप? बस हम संदेश क्या देंगे, बस भाई लोग से अपने लिए ही कुछ मांगेंगे कि जिस तरह से आप लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह से करते रहिए, ताकि हम लोग का वीडियो और ज्यादा वायरल हो। और एक मतलब हमको सिंगर बनने का शौक तो शुरू से था, और वो भी हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, जो कि हम 6-7 गाना भी लाए तो व्यूज भी 2 लाख 6 लाख 7 लाख ऐसे रहा, जो कि काफी अच्छा मतलब जो शुरुआती रहा। और ये सब जो है भैया लोग के प्यार से हुआ, और यही चीज फिर कंटिन्यू करेंगे तो इतना तो विश्वास है कि गाना भी चलेगा। चैनल का नाम बता दीजिए अपना। देखिये रियल रोशन वाइंस पे, जिसपे शॉर्ट फिल्म आता है कॉमेडी वीडियो, और रियल रोशन म्यूजिक है उस पे गाना आता है, और मिट्टू मानसी ब्लॉग मेरा यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम, मिट्टू मानसी ब्लॉग, मिट्टू मानसी ब्लॉग्स मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे आप लोग जाइए सब्सक्राइब कर दिए। अभी जो वीडियो आने वाला है मानसी जी के साथ, ये टीचर स्टूडेंट वाला वीडियो है, और उसमें स्टूडेंट मैडम का थोड़ा सा नोकझोंक है, नोकझोंक प्यार मजाक मस्ती। क्या बात है, इसमें नोकझोंक का कोई सुनिए, इसमें हम क्या बने हुए, अपने पत्नी का स्टूडेंट बने हुए। क्या बात है, कोई डायलॉग सुना दीजिए जाते जाते हैं। सर जी देखिए, हम लोग जरा खैनी खा लिए तो मरदे माते चित्र को चबूतरा बना दिए। अरे देखिए तेरे रोशनमा के, इतना देर से ही मैडम के साथ ये चल रहा है, तो उस पर ध्यान नहीं जा रहा है आपका? क्या बात है, बाद बाकी इंतजार कीजिए, इन लोगों का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है रियल रोशन वाइंस पे, देखिएगा। और हमारा ये प्रयास कैसा लगा इन लोगों की टीम से मिलकर, के आपको कैसा लगा अपना नाम कमेंट करें, और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।